हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज ये वीडियो जो मेरी बना रही हूँ ये हमारी गौ माता के लिए मैं बना रही हूँ। आप सभी भक्त ध्यान से सुनिए और सभी इसमें अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि हमने कहा था कि हमने यहाँ पे सेवाएं शुरू की है, हमने अनाथ आश्रम में सेवा की और उसके बाद हमने गौशाला में एक सेवा की। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे जो गौशाला जहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पे हम जाए और वहाँ पे सेवा करें। लेकिन देखिए, ये वृंदावन है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ पे तो गौ माता के लिए एसी तक लगे हुए हैं। तो हमें कैसे समझ में आए कि कौन सी गौशाला को, गौ माता को कौन सी गौशाला में ज़्यादा चारे की ज़रूरत है। हो सकता है कि वहाँ हम किसी गौशाला में ऐसी जगह चारे की सेवा कर दे कि वहाँ पे ऑलरेडी गौ माता को भरपूर चारा मिल रहा है। तो हमें ऐसे जगह नहीं जाना था, हमें ऐसे जगह जाना था कि जहाँ पे सच में गौ माता बिचारी भूखी है और उन्हें चारे की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो मैंने हमारे कान्हा जी को कहा था, हमारे मधुसूदन से कहा था कि कान्हा, तू ही मुझे सही राह दिखाना, हमें ऐसी जगह पे लेकर जाना कि जहाँ पे सच में दान की जरूरत है। क्योंकि भक्तों ने बहुत मन से इस सेवा के लिए दान किया हुआ है, तो उनका दान मुझे सही जगह पे लगाना है। तो मुझे सच में ऐसी जगह लेकर जाना जहाँ पे बहुत जरूरत है। तो हम यही सोचकर उस दिन देखिए निकले कि चलिए गौशाला हम जाए और हम चारे की सेवा करें। तो जैसे कि आपको पता है कि रसिक भैया करके है, जो आपने देखा है वीडियो में उन्हें, तो उन्हें यहाँ की ज़्यादा जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि माता जी चलिए, मुझे एक गौशाला पता है जहाँ पे चारे की बहुत ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो हम उस दिन निकले गौशाला चारे की सेवा करने के लिए। लेकिन देखिए, जब हम उस गौशाला पहुँचे तो हरदेव गौशाला करके, हरदेव करके नाम था उस गौशाला का। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे तो गौ माताएँ थी ही नहीं, उनकी गौशाला बंद हो चुकी है। जब पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारी गौ माताओं को सभी को हरिद्वार शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब जब यमुना जी आई थी तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया है, बहुत सी गौशाला पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, उनके मरम्मत की उन्हें ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि अरे ठीक है, अब क्या करें। तो जो रसिक भैया है उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, हम जब सेवा करने के लिए निकले हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम करेंगे। और वो उसी वक्त कहीं दूसरी गौशाला पे गए। अब वो गौशाला जो हम गए तो देखिए कि जैसे मैंने कहा था कि कान्हा, मुझे ज़रूर ऐसे गौशाला लेकर जाना, ऐसी जगह जाना जहाँ पे सच में ज़रूरत है। तो देखिए, जब हम उस गौशाला में गए, वहाँ पे 100-150 के करीब गाय है, गौ माताएँ हैं, कुछ उसमें नी आश्रित है, ज़्यादातर तो वहाँ पे नी आश्रित है और कुछ गौ माताएँ दूध देती है। तो हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे चारे की सेवा की, हमने देखिए वीडियो भी डाली हुई थी, उसमें हमने वीडियो में बताया था, हमने आप उनके महाराज से भी आपको मिलवाया था। तो वहाँ पे हमने चारे की सेवा की तो बहुत अच्छा लगा। बाद में हमें पता चला कि उनके महाराज ने हमें वो गौशाला के बारे में बहुत सी जानकारी दी कि क्या क्या होता है उनके गौशाला का। देखिए, महाराज ने बताया कि पहले तो यमुना जी आ गई तो उनका बहुत सा मन, मतलब बहुत मन चारा उन्होंने जो जमा करके रखा था, सूखा चारा जो भूसा कुट्टी कहते हैं जिसे, वो सारा यमुना जी में बह गया। एक तो बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई जो दान करता है तो वो जमा करते हैं और वो भी यमुना जी में बह गया। और दूसरी बात ऐसी हो गई
कि जो व्यक्ति, जो एक भक्त वो गौशाला में सेवा करता था, क्योंकि यहाँ पे सभी गौशालाएं ज्यादातर जो नियाश्रित जहाँ पे गाय पलती है, गौमाताएं पलती है, वो दूसरे भक्तों के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भक्त वहाँ पे चारे की सेवा करता है तो ही वो गौमाता चारा को, प्रसाद को पाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था कि एक भक्त थे जो गौमाता को चारे की सेवा कर रहे थे। वो भक्त ने गौमाता के लिए वहाँ पे शेड भी बनाया है कि आराम से गौमाता वहाँ पे रुके। उन्होंने काफी वहाँ पे सेवा की और अब तक उनके ही भरोसे वो गौशाला चल रही थी। लेकिन हमें महाराज ने बताया कि अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो गुजर गए। तो वो जब चले गए दुनिया से, तो उसके बाद वो गौशाला की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, कहीं से उनको वहां से सेवा आनी बंद हो गई। तो देखिए, ये जब काम हुआ तो वो ये सब बातें हुई कि एक साथ गौ माता पे संकट आ गया। एक तो उनका सारा चारा यमुना जी में बह गया और दूसरा कि जो बेचारे सेवा कर रहे थे उनकी सेवा भी आना बंद हो गई। तो देखिए, अब गौ माता के ऊपर तो ऐसे संकट आया कि कहाँ से वो चारा मिले, तब हम वहाँ पे पहुँचे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने मधुसूदन से कहा था कि मुझे ऐसी ही जगह लेकर जाना, तो हमारे कान्हा ने बराबर ऐसे ही जगह पे हमें लेकर गए। और देखिए, वो महाराज ने हमसे कहा कि ठाकुर जी ने आपको भेजा है गौ माता की चारे की सेवा के लिए। उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि हमारी गौ माता को चारे की सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये हमारी गौ माताओं को आप गोद ले लीजिए, हमारी गौशाला को आप गोद ले लीजिए। आप बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बस यहाँ पे सभी सेवा करते रहेंगे गौ माता की, क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार है जो गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। तो हम सेवाएं करेंगे, बस हमारी गौ माता भूखी नहीं रहे। ऐसे जब उन्होंने कहा तो हमारी आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। हमने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, गौ माता कभी भी भूखी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे मधुसूदन मधुप्रिया है, वो तो जो मुश्किल से मुश्किल, हर जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल करते हैं। जब हमारे कान्हा ने हमें इधर यहाँ पे भेज दिया तो इसके आगे तो कोई बात है ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम गौशाला को संभालेंगे, हम गौशाला की व्यवस्था हाथ में लेते हैं, गौ माता की चारे की व्यवस्था हम करेंगे। तो देखिए, मैंने यही बात फिर आपको सभी को वीडियो में, उस दिन लाइव भी आई थी मैं कल, तो आपको सभी को यही बात बताई कि वो जो गौशाला है वहाँ पे जो गौ माता है वो बहुत तकलीफ में है, उन्हें चारे की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, आप सभी भक्तों ने जो हमें सेवाएं भेजी थी और अभी तक जो भक्त हमें भेज रहे हैं, अभी तो मुझे इतनी सेवा नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जिन जिन भक्तों की सेवा आ रही है, तो हम रोज वहाँ पे चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। रोज 1,000-2,000 का चारा हम गौ माता को भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गौ माता बिचारी भूखी नहीं रहे, और वो भी आप सभी भक्तों के जो सेवाएं भेजी है उसी सेवाओं से ये सब हो रहा है। तो देखिए, बीच में अब राधाष्टमी आई थी तो हमारी राधा रानी ने कहा कि मुझे गौ माता के साथ ही मेरा जन्मदिन मनाना है, तो हम गौशाला गए थे और वहाँ पे हमारी राधा रानी का हमने केक कट किया है। अब देखिए, वो वीडियो हम डालेंगे, अभी तक हमने वो वीडियो डाली नहीं है, तो वो वीडियो ज़रूर आपको जल्द से जल्द मिलेगी। तो इस तरह देखिए, हम वहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं और हम गौशाला रोज हम जा ही रहे हैं। तो आज भी देखिए, हम गौशाला गए थे, मेरे पति आज गौशाला गए थे, तो जैसे मेरे पति वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अरे, जल्द से जल्द मुझे फ़ोन किया कि जल्द से जल्द यहाँ पे चारा भेज दीजिए यहाँ।